नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर उन्नाव में जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव प्रतिमा श्रीवास्तव सहित न्यायिक अधिकारियों ने न्यायालय परिसर में कई फलदार पौधों के साथ साथ औषधि युक्त पौधे भी लगाए। इस मौके पर जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव प्रतिमा श्रीवास्तव ने कहा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। पेड़ पौधों के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि परिस्थितियों की तंत्र को बनाए रखने और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने आसपास से अधिक पौधे लगाएं, ताकि शुद्ध हवा मिल सके और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बेहतरीन कदम उठाना, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतु और मनुष्यों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। इस अवसर पर दीपाली सिंह परिवार न्यायालय द्वितीय अनिल कुमार सेठ अपर जिला जज कोर्ट संख्या 4, विवेकानंद विश्वकर्मा अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वतंत्र प्रकाश रघुवंशी, मणि सिंह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव समेत कई न्यायिक अधिकारियों ने उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री कार्यकारिणी पौधारोपण करते हुए लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर आगे आने की अपील की। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के कर्मचारी तथा सिविल कोर्ट उन्नाव के कर्मचारी मौजूद रहे। स्वागत जिंदगी के लिए उन्नाव से ब्यूरो दीपक कुमार की रिपोर्ट।